नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, यह बात आपने पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं सुना होगा। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों, ऐसी जानकारी कोई नहीं बताता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही अकेले में देखें, क्यों दोस्तों आपके जीवनकाल की सबसे बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। जी दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो भगवान हमारी किस्मत पे लिखते हैं वह हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलते हैं, भले ही थोड़ी देर होती है, लेकिन दोस्तों भगवान के घर अंधेर नहीं होती। जी दोस्तों, अब आप शिव को बता दें कि ईश्वर का संकेत मिल चुका है, परमात्मा का संकेत मिल चुका है कि आपके जीवनकाल में परमात्मा कब चमत्कार चलेगा। अब आपके जीवन काल में एक चमत्कारिक देवी महिला से होगा आपका संगम। जी हाँ दोस्तों, और इनसे आप सभी के जीवन काल पूरी तरह परिवर्तित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के हमारे जुवाने से आपको जो भी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, आपके मन के हृदय को खुश करने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, बशर्ते हम आप सभी से बस यही विनती करेंगे कि दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जी दोस्तों, जैसे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों यह बात आपको समझ में आएगी कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण आप सभी के लिए था। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह देवी महिला, यह चमत्कारिक महिला का संगम आपके जीवनकाल पर होना दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में वृद्धि को दर्शाता है। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि परमात्मा का यह भारी संकेत हमारे जीवन काल में तभी आते हैं जब दोस्तों हम अच्छे कर्म करते हैं। जी दोस्तों, जब हमारे अच्छे कर्म का पलड़ा भारी हो जाता है तब दोस्तों ईश्वर हमें संकेत देते हैं कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जी दोस्तों, और अब आपका अच्छा समय आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों हर एक महत्वपूर्ण समयों का सही तरीके से सदुपयोग करें। जी दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे कि अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन से सही समय पर कौन से सही कार्य करने हैं, या परमात्मा का भारी संकेत और या देवी महिला से संगम आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाले हैं, आपको कौन कौन से नए मौके दिलाने वाले हैं, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में यह चमत्कारिक महिला क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, हर एक जानकारी जी वीडियो में समाहित है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना आपका दायित्व तो बनता है। उससे पहले दोस्तों, जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में याद रखने हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों इन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने कि दोस्तों, कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटे रे मेरे भाई, राजा हो या रंक उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। जी दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि यह देवी महिला से आपका संगम आप शिव के जीवनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यश में अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यशोमय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यशोमय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यशोमय बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों यशोमय बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यशोमय मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यशोमय हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यशोमय व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों यशोमय आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा, तो दोस्तों यशोमय को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यशोमय योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यशोमय लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशोमय इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यशोमय प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यशोमय मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों यशोमय आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि रुपये पेशे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें, आपकी कोई योजना यशोमय गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यशोमय उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यशोमय आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यशोमय आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यशोमय आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यशोमय आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। तो अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है यशोमय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी यशोमय सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको यशोमय कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए यशोमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशोमय जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए यशोमय जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर्स लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद ना रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों यशोमय आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें।
इसको बना दोस्तों यीशु में। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यीशु में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए इसमें लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे। इसलिए दोस्तों इसमें आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप इसमें समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों ये समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।